गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज मैं आपको काफी डिटेल में लैब कराने वाला हूं। तो लैब कराने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, पहले वो डिस्कस करूंगा सो दैट आपकी जो बुनियाद है वो एकदम से मजबूत बन जाए, और उसके बाद फिर मैं आपको लैब में डेमो भी करके दिखाऊंगा सो दैट आप उसे इजिली कर पाए। और ये मेरी गारंटी है कि जब भी आप लैब परफॉर्म करेंगे आपको कोई एरर नहीं आएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस तरीके से सिखाऊं कि कहीं पर कोई एरर ना आए, बिल्कुल बेसिक से बेसिक बातें आपको बताऊंगा। चाहे आप नॉन टेक्निकल हो, टेक्निकल हो, आप जीसीपी को ना सिर्फ सीख पाएंगे बल्कि आप इसके मास्टर बन जाएंगे। तो देखिए, मैंने यहां पे सबसे पहले GUI के थ्रू आपको ये लैब कराऊंगा। तो GUI के थ्रू लैब करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो ऑलरेडी लैब में नजर आएंगे, पर यहां मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने वो स्टेप्स यहां पर भी लिख दिए हैं। देखिए, जब आप बकेट क्रिएट करना चाहेंगे, क्लाउड स्टोरेज पे काम करना चाहते हैं, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। करने के तरीके और भी हैं, REST API के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हम बुनियादी तौर पे दो चीजें देखेंगे जो एग्जाम में आने वाली हैं और जो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, GUI के थ्रू और क्लाउड शेल के थ्रू। क्लाउड शेल के थ्रू अगर आपको आ गया तो आप ये समझें कि आप जीसीपी के मास्टर हो गए एक तरीके से, क्योंकि क्लाउड शेल पे काम करना मतलब बहुत कम लोगों को आता है। GUI के थ्रू भी कर लेंगे तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। अब देखें जरा, क्रिएट अ बकेट एंड अपलोड ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे बकेट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कैसे ऑब्जेक्ट अपलोड कर सकते हैं, ना सिर्फ ऑब्जेक्ट अपलोड कर सकते हैं बल्कि उसको पब्लिक कैसे बना सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो लैब में आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने अपने जीसीपी अकाउंट में लॉग इन करना है। अगर आपने जीसीपी अकाउंट नहीं बनाया है तो पहले जीसीपी अकाउंट बनाए। कैसे बनता है इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे इस प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हुई है। और एक चीज और बता दूं, ये लेक्चर नंबर 21 है, इससे पहले 20 लेक्चर ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हुए। तो सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखिए, किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाके पैसे खर्च करने की जरूरत आपको नहीं है। लॉग इन टू जीसीपी कंसोल, गो टू क्लाउड स्टोरेज। आपको क्लाउड स्टोरेज सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे वहां पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, उनमें एक ऑप्शन बकेट का होगा, आपको बकेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बकेट पे क्लिक करोगे वहां पे आपके पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा बकेट का, और वहां पे कई सारी चीजें होंगी जो मैं आप में लैब में दिखाऊंगा अभी। और वहां पे टॉप पे एक ऑप्शन होगा क्रिएट बकेट का। आपको बकेट क्रिएट करनी है सबसे पहले, कोई भी काम करने के लिए उस स्टोरेज का इस्तेमाल करने के लिए एक बकेट का क्रिएट करना जरूरी है। तो आप क्रिएट बकेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट बकेट पे क्लिक करेंगे आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। पहला ऑप्शन होगा कि अपने बकेट को नाम दो। जी हाँ, आपका जो बकेट का नाम है वो यूनिक होना चाहिए पूरे गूगल क्लाउड अकाउंट के अंदर, ना सिर्फ आपके अकाउंट के अंदर बल्कि पूरे के पूरे गूगल क्लाउड जितना भी उस पर जितनी भी बकेट्स बनी है उन सब में आपका नाम यूनिक होना जरूरी है। ये 3 से लेकर 63 करेक्टर तक का हो सकता है। इसमें आप स्मॉल लेटर्स का, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीच में हाइफन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। बट लास्ट में आप डॉट से एंड नहीं करेंगे फाइल को, या हाइफन से एंड नहीं करेंगे अपने उस नाम को। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आईपी एड्रेस नहीं देना चाहिए कभी भी सिक्योरिटी पर्पसेस से, कि आप जिस आईपी एड्रेस से कनेक्ट है आपने वही आईपी एड्रेस स्टोरेज का नाम दे दिया। नो, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। उसके साथ साथ गूगल नाम नहीं आना चाहिए आपकी क्लाउड स्टोरेज के बकेट के नाम में, पूरे नाम में, जैसे कि टेक्निकल गुफ्तगू गूगल बकेट, ऐसे आप नहीं कर सकते। गूगल नहीं आना चाहिए, गूगल वर्ड आना ही नहीं चाहिए, गूगल से मिलता जुलता वर्ड भी नहीं आ सकता। अगर आप यहां पे सपोज करें ओ की जगह 00 लगा दें, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर गूगल या गूगल जैसा कुछ भी वहां पे है तो वो नाम आप नहीं ले सकते। तो आपको एक नाम लेना होगा, नाम कुछ भी आप दे दो, जैसे कि हमारे केस में हम कुछ भी दे देंगे, टेक्निकल गुफ्तगू हम दे देते हैं यहां पे टेक्निकल गुफ्तगू। तो हमने ये अपनी बकेट का नाम दे दिया टेक्निकल गुफ्तगू 1, 2, 3। उसके बाद लेबल्स, लेबल्स का मतलब है टैगिंग। आप अगर कोई टैग देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है। और लेबल्स क्या होते हैं? लेबल्स होते हैं यार, जैसे आपके घर के अंदर बहुत सारे मसाले के डब्बे होते हैं जो एक जैसे होते हैं, तो आप उनके ऊपर टैग लगा देते हो, ये शुगर है, ये टी है, ये लाल रेड चिली है, ये सॉल्ट है, इस तरीके की टैगिंग कर देते हो जिससे देखते ही पता चल जाता है ये सामान यहां रखा है। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे स्टोरेजेस है तो आप लेबलिंग कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में कभी भी कुछ भी फिल्टर करना पड़े, कुछ फाइंड आउट करना पड़े तो लेबल को सर्च करके किया जा सके। उसके बाद चूज वेयर टू स्टोर योर डेटा। अब आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करने के लिए उसकी लोकेशन टाइप चूज करनी पड़ेगी कि भैया ये डेटा आप कहां रखना चाहते हैं। गूगल के पूरी दुनिया में बहुत सारे डेटा सेंटर हैं, आप कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर वो आपको 3 फैसिलिटी देता है। आप मल्टी रीजन बना सकते हैं, ड्यूअल रीजन बना सकते हैं, रीजन बना सकते हैं। हमारे केस में फॉर एग्जाम्पल मैंने मल्टी रीजन बना लिया। ऐसा करने पर क्या होगा, मेरे पास 3 ऑप्शन आएंगे, एक US आएगा, एक यूरोप आएगा,
एक एशिया आएगा। मैं तीनों में से कहीं भी अपनी बकेट को क्रिएट कर सकता हूं। मैं यूएस सेलेक्ट कर सकता हूं, यूरोप सेलेक्ट कर सकता हूं, एशिया। इनके अंदर का रीजन मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। मल्टी रीजन के अंदर आपको पूरा कॉन्टिनेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, यूएस करना, यूरोप करना या एशिया। इसका फायदा यह है कि अगर आपके क्लाइंट पूरे एशिया में फैले हुए हैं, जैसे कि टेक्निकल गुफ्तगू जितने भी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश सब जगह देखा जाता है, तो उस केस में आप बेहतर है कि मल्टी रीजन के साथ जाएं, ताकि आपकी जो डेटा है वो प्रॉपरली एक बेटर लो लेटेंसी के साथ एक्सेस किया जा सके उस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर। तो आप उस केस में मल्टी रीजन ले सकते हैं। आप चाहें तो ड्यूअल रीजन पे जा सकते हैं, आप चाहें तो रीजन पे जा सकते हैं। इनकी क्या क्या प्राइसिंग होगी ये मैं आपको लैब में ही दिखाऊंगा कि क्या फर्क होगा तीनों को अलग अलग सेलेक्ट करने पे। उसके बाद जब आपने रीजन सेलेक्ट कर लिया, तो अब वो पूछेगा आप इस डेटा को किस स्टोरेज टाइप में रखना चाहते हैं। आपको पता है आपके पास स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट होता है, और नियर लाइन भी है, कोल्ड लाइन भी है, आर्काइव भी है। तो चारों को हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सेलेक्टेड होता है, स्टैंडर्ड को ही हमें लेना है, क्योंकि डेटा को अपलोड करते समय हमें यह नहीं पता कि यह डेटा डेली यूज किया जाएगा या बाद में कम यूज किया जाएगा। और वैसे भी ये टाइप आप बाद में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ टाइम के बाद फील होता है कि स्टैंडर्ड में नहीं रखना, इस डेटा को मूव करके नियर लाइन में लाना है, बस एक सेकंड का काम है, आप बस सेलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे और नियर लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये चीज बाद में भी चेंज की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप इस बकेट पे किस तरह का कंट्रोल चाहते हैं। अगर आप यूनिफॉर्म कंट्रोल चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बकेट में जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, उन सब पे एक ही तरीके की पॉलिसी अप्लाई होगी। ये कुछ ऐसा है कि एक क्लास में 60 बच्चे पढ़ते हैं, और मैं कहूं कि क्लास के बच्चों को सुबह 9 बजे आना है, शाम के 5 बजे सबकी छुट्टी होगी, तो ये एक यूनिफॉर्म रूल है जो सबके लिए लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक क्लास के अंदर 60 बच्चे पढ़ते हैं, 10 बच्चे जो हैं जो कि टॉपर हैं, वो 2 बजे जा सकते हैं, लेकिन जो नलायक हैं वो 5 बजे जाएंगे, और जो मीडियोकर हैं वो 3 बजे जाएंगे, उनकी 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, तो इस तरह की अगर मैं अलग अलग पॉलिसी लगा रहा हूं उस क्लास के बच्चों के अंदर, तो वो कहलाएगी फाइन ग्रेन पॉलिसी। तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि आपकी बकेट को एक्सेस करने की पॉलिसी कॉमन होनी चाहिए सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, या फिर हर ऑब्जेक्ट के लिए मैं अलग पॉलिसी लगाना चाहता हूं, तो ऐसे केस में आप ये लेंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट और गूगल जो रिकमेंड करता है वो यूनिफॉर्म रिकमेंड करता है, तो हम इसी के साथ जाएंगे। चूज हाउ टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट डेटा प्रोटेक्शन टूल। अब वो कहता है भाई मेरे पास कुछ अलग से तरीके हैं आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के, कुछ तरीके भी हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं। तो बाय डिफॉल्ट नन सेलेक्टेड होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऑब्जेक्ट वर्जनिंग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट वर्जनिंग का मतलब है कि आप जब अपने डेटा को अपलोड करेंगे, उसके बाद अगले दिन आपने उसी डेटा में कोई चेंजेस किए और दोबारा फाइल को अपलोड किया, तो उसके 2 वर्जन आपके पास अवेलेबल होंगे, एक कल वाला जो कल तक काम किया था वो वाला, और एक आज वाला जिसमें कि चेंजेस भी होंगे और कल का काम भी होगा या जो भी आपने अपडेट किया है। तो इस तरह से वर्जन मेंटेन होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 दिन बाद आपको फील होता है कि आज मैंने काम गलत कर दिया, कल वाले काम के आगे से दोबारा करना पड़ेगा, तो आपको उस आज वाले काम में डिलीट विलीट करने की कोई जरूरत नहीं है, कल वाली फाइल ऑलरेडी वहां पर पड़ी होगी वर्जनिंग के अंदर, आप कल वाली फाइल निकाल लो, उसमें कल तक का काम होगा, उसमें आगे का काम दोबारा से शुरू कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट होता है ऑब्जेक्ट वर्जनिंग के साथ। इसकी लैब भी आएगी, तो मैं फ्यूचर में आपको करके दिखाऊंगा अगले लेक्चर या उससे अगले लेक्चर में। रिटेंशन पॉलिसी का मतलब है कि आप अपने जो डेटा है उसको किस तरीके से रखना चाहते हैं कि वो इतने टाइम तक प्रोटेक्ट रहे, डिलीट ना हो सके, इस तरह की कोई पॉलिसी लगाना चाहते हैं तो आप रिटेंशन पॉलिसी में लगा सकते हैं। उसके बाद डेटा एनक्रिप्शन एडवांस के अंदर आपको मिलेगा, ये बाय डिफॉल्ट हाइड होता है ऑप्शन, लेकिन आप जैसे ही नीचे क्लिक करोगे एडवांस पे, या आई थिंक वहां पे कुछ लिखा रहता है, तो उस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे डेटा एनक्रिप्शन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट गूगल में ये एक अच्छी चीज है कि सारा डेटा इनका एनक्रिप्टेड होता है, वो भी गूगल मैनेज एनक्रिप्शन की से, तो इनका सारा डेटा एनक्रिप्टेड रहता है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई कस्टमर मैनेज की है, CMEK इसको बोलते हैं, तो अगर वो आपके पास है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये सारा काम करने के बाद जैसे ही आप क्रिएट करेंगे आपकी बकेट क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद वहां पे अपलोड फाइल, अपलोड फोल्डर, क्रिएट फोल्डर, इस तरह के ऑप्शंस आएंगे जिनको मैं लैब में ही आपको हैंड्स ऑन करके दिखाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको बाकी सारी चीजें वहां पर भी अच्छे से समझा सकूं। तो अब मैं ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए चलता हूं सीधा लैब पे और आपको यही काम लैब पे करके दिखाता हूं।
तो लो जी आ गए अपने जीसीपी कंसोल के ऊपर। और अब सबसे पहले हमने इस कंसोल में ये देखना है कि हम किस प्रोजेक्ट में हैं। तो जी हाँ, हम टेक्निकल गुफ्तगू नाम के प्रोजेक्ट में हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में नहीं हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले प्रोजेक्ट के अंदर आप आइए, तब ही आप उस पे काम कर पाएंगे, आप किसी भी चीज़ पे काम कर पाएंगे। तो काम करने के लिए किसी प्रोजेक्ट के अंदर होना ज़रूरी है। तो आप चेक करें आप किस प्रोजेक्ट में हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हैमबर्गर मेन्यू आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और देखें, क्लाउड स्टोरेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप एक इसमें हो सकता है नीचे आपको नज़र आए, क्योंकि ये मैंने ऊपर मेरे जो कुछ पिन प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप नीचे आओगे तो यहाँ आपको स्टोरेज के अंदर ये देखें, आपको स्टोरेज में क्लाउड स्टोरेज नज़र आ रहा है, उसको मैंने पिन किया हुआ है। मैं अनपिन कर दूंगा तो वो ऊपर से हट जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको पिन करूंगा तो अब वो मुझे ऊपर भी नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली पिन और अनपिन होता है। और यहाँ पे देखें, बकेट्स, मॉनिटरिंग, सेटिंग, तीन ऑप्शन अवेलेबल है। मैं बकेट्स पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अभी मेरे पास कोई भी बकेट अवेलेबल नहीं है। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, तीन ऑप्शन है क्लाउड स्टोरेज के अंदर, बकेट का है, मॉनिटरिंग का है, सेटिंग्स का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे नाम नज़र आ रहा है, नेम यहाँ पे क्रिएटेड नज़र आ रहा है, यहाँ पे लोकेशन टाइप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, लोकेशन नज़र आ रहा है, डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या है वो नज़र आ रहा है, लास्ट मॉडिफाइड, पब्लिक एक्सेस है कि नहीं है, एक्सेस कंट्रोल है कि नहीं है, प्रोटेक्शन है कि नहीं है, ये कुछ चीज़ें के ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रिएट बकेट। और अगर आप इसी को सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्विक स्टार्ट का ऑप्शन भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इस क्विक स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा एक ट्यूटोरियल टाइप मिल जाएगा कि भाई कैसे आपने इस पे काम करना है। तो ये पूरी एक आपको गाइड मिलेगी, बहुत अच्छी होती है। आप यहाँ पे खुद से काम कर सकते हैं, खुद से सारी चीज़ें कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे तो ये देखें आप, ये कहता है कि भाई पहले आप एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्रिएट पे क्लिक करें, बकेट को नाम दें, कहाँ स्टोर करना है, लोकेशन टाइप क्या। बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। बट यही सारी चीज़ें मैं आपको और इससे भी खूबसूरत तरीके से बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास क्रिएट का ऑप्शन होता है और ये रिफ्रेश का बटन होता है। तो मैं सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करूंगा। यहाँ क्रिएट पर क्लिक करने पर आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बोर्ड पे समझाया, आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा अपनी बकेट को नाम देने के लिए। बकेट का नाम जो है वो ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। और उसकी कुछ गाइडलाइंस भी हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, हालांकि ऑलरेडी बोर्ड पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप अगर नेमिंग गाइडलाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नज़र आएगा कि ये 3 अल्फ़ाबेट से लेकर 63 करेक्टर तक का होना चाहिए। लोअर केस का इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूमेरिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एंड जो है वो ये आप इससे नहीं कर सकते, डैश के साथ नहीं कर सकते, डॉट के साथ नहीं कर सकते। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। आप अपने बकेट को आईपी एड्रेस का नाम नहीं दे सकते, गूगल बकेट के नाम में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बकेट के नाम से रिलेटेड जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल गुफ्तगू 1 2 3। आई होप इस नाम से किसी ने बकेट नहीं बनाई होगी। यहाँ पे लेबल्स में जाएंगे तो आप टैग कर सकते हैं। टैग कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ये बकेट जो है किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी टेक्निकल गुफ्तगू का हिस्सा है, तो यहाँ पे आप इसका प्रोजेक्ट का नेम लिखते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि टैगिंग जिस जिस चीज़ की है उसको सर्च करना ईजी हो जाता है। जिन चीज़ों पर ये टैग लगा मिलेगा, यानी कि लेबल लगा मिलेगा, उनको आप ईजिली सर्च कर पाएंगे। तो इस तरीके के आप टैग लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा लेबल लगा सकते हैं। लेबल कह लें या टैग कह लें, एक ही बात है। अब उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे हाइफन नहीं हो सकता। चलें ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। ओनली हाइफन अंडरस्कोर लोअर केस एंड नंबर्स आर, अच्छा, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे TG नाम दे देता हूँ सिंपल सा, और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब देखें, जब यहाँ पे बात आई चूज वेयर टू स्टोर योर डेटा, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भैया तीन तरीके से आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मल्टी रीजन में, ड्यूअल रीजन में, या फिर आप कर सकते हैं उसको रीजन में। तो रीजन में करेंगे तो एक ही जगह स्टोर होगा, ड्यूअल रीजन में करेंगे तो डेटा दो जगह स्टोर होगा। कॉन्टिनेंट आपको सेम लेना पड़ेगा। अगर अमेरिका लेते हैं तो अमेरिका में आपके पास चार चॉइसेस हैं, आप किन्हीं भी दो जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और आप देख सकते हो प्राइस दोनों का अलग अलग आ रहा है, और आपको दोनों जगह का प्राइस देना पड़ेगा ड्यूअल रीजन के केस में। ठीक है, आपका डेटा दो जगह रहेगा। ड्यूअल रीजन का केस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रीजन में आपने जो सेलेक्ट किया है टर्बो रेप्लिकेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन रीजन को चेंज कर देता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे इसको हटा के इसको ओरेगन को ले लेता हूँ। तो आई थिंक टर्बो रेप्लिकेशन यहाँ पे आना चाहिए था, लेट मी चेक। आई थिंक ये मल्टी में आएगा,
सॉरी ट्यूबल में ही है, ऐड पहले ही ऐड मुझे करना पड़ेगा, सिलेक्ट करने से पहले मुझे ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद देखें ये दो का कॉम्बिनेशन में ही सिर्फ टर्बो एप्लीकेशन अवेलेबल है, यानी हर जगह हर ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। ये भी आपके सीखने वाली बात है कि अगर आप आयोवा और साउथ कैरोलिना का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो टर्बो एप्लीकेशन अनेबल कर सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट आप देख सकते हैं अच्छी खासी है, नॉर्मल से भी ज़्यादा कॉस्ट टर्बो एप्लीकेशन की है, $0.040 पर GB की प्राइसिंग आएगी, तो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रीजन पे जाते हैं तो आपको एक ही रीजन का प्राइस देना पड़ेगा और वो भी $0.020 पर GB का प्राइस आपको देना पड़ेगा। मल्टी रीजन इन तीनों में सबसे महंगा होगा, 0.026 का प्राइस है, आप देख सकते हो, तो सबसे महंगा मल्टी रीजन है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मल्टी रीजन ही बना लेता हूँ, और मल्टी रीजन के केस में मुझे कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे कॉन्टिनेंट बताना है, मैं US लेना चाहता हूँ, यूरोप लेना चाहता हूँ, या फिर मैं एशिया लेना चाहता हूँ, बाकी काम ये बैकएंड पे अपने हिसाब से करते हैं। मैं अब इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो मुझसे पूछेगा कि भाई आपने किस स्टोरेज में ये डाटा सेव करना है। देखिए बनाते टाइम आप नियर लाइन भी ले सकते हैं, आप लेने को कोल्ड लाइन भी ले सकते हैं, पर इनकी अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं। आप यहाँ पे बेहतर है कि आप पहले अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट करें। नियर लाइन में जा रहे हैं तो फिर यहाँ पे आप जो है आप डेटा स्टोर तो कर लेंगे, बट फिर उसकी एक लॉक इन पीरियड होता है कि भाई अगर उससे पहले आप डिलीट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो थोड़ा सा और आपको प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ जाता है। तो बेहतर है कि आप स्टैंडर्ड के साथ जाएं, कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, आपके पास आता है एक्सेस कंट्रोल। देखिए अगर आप पूरी बकेट पे एक ही तरीके का कंट्रोल देना चाहते हैं, एक ही तरीके का रूल रेगुलेशन लगाना चाहते हैं, तो बेहतर है कि आप यूनिफॉर्म के साथ जाएं, और यही रिकमेंडेड भी किया गया है गूगल की तरफ से। लेकिन अगर आप चाहते हैं बकेट के अंदर मैं इस तरीके से कंट्रोल करूं कि एक ऑब्जेक्ट को एक बंदा एक्सेस कर रहा है पर वो बाकियों को ना कर पाए उस बकेट के अंदर, तो फिर आपको फाइन ग्रेन के साथ जाना पड़ेगा। फिलहाल मैं यूनिफॉर्म के साथ जाता हूँ, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास प्रोटेक्शन टूल में नन अभी बाय डिफ़ॉल्ट है। मैं चाहूँ तो ऑब्जेक्ट वर्जनिंग इनेबल कर सकता हूँ और ये भी डिसाइड कर सकता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट के मैक्सिमम कितने वर्जन्स रहेंगे। मैं यहाँ पे 10 कर सकता हूँ, यहाँ पे 5 कर सकता हूँ, और उससे ज़्यादा जो वर्जन होंगे उनके 7 दिन पूरे होते या 15 दिन पूरे होते डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी कॉस्ट भी बचा सकते हैं और वर्जनिंग भी रख सकते हैं, ये काम भी आप कर सकते हैं। रिटेंशन पॉलिसी अगर आप चाहते हैं कि डेटा कब तक रहे कब तक ना रहे, तो उस तरह की पॉलिसी भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, या डेटा कब तक मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता, इस तरह की पॉलिसी यहाँ पे लगाई जा सकती है। फिलहाल हम इसको नन करके चलते हैं। इंक्रिप्शन पे क्लिक करें तो बाय डिफॉल्ट गूगल की इंक्रिप्शन हमें यहाँ पे मिलती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई कस्टमर मैनेज की इंक्रिप्शन की जरूरत आपको नहीं है। बट अगर आप चाहें तो आप कस्टमर मैनेज की भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास कोई की यहाँ पर अवेलेबल है तो आप उसको भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो अगर ये नाम अवेलेबल हुआ तो मेरी ये बकेट क्रिएट हो जाएगी, और आप देख सकते हैं मेरी जो प्राइस आने वाली है वो आने वाली है 0.026 पर GB पर मंथ। तो ये प्राइस मुझे पड़ने वाली है, मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी मुझे यहाँ पे मेरी बकेट नज़र आ रही है, टेक्निकल गुफ्तगु 1, 2, 3। जी हाँ, ये बकेट मेरी बन चुकी है। मैं बैक करूँ थोड़ा सा तो आपको यहाँ दिखाता हूँ, टेक्निकल गुफ्तगु 1, 2, 3 के नाम से मुझे बकेट नज़र आ रही है, कब क्रिएट हुई है ये टाइम नज़र आ रहा है, लोकेशन टाइप क्या है, मल्टी रीजन है, रीजन है या ड्यूअल रीजन है वो यहाँ नज़र आएगा, किस लोकेशन पे है, एशिया में है ये नज़र आ रहा है, क्या स्टैंडर्ड इसकी स्टोरेज टाइप है वो स्टैंडर्ड है ये मुझे नज़र आ रहा है, लास्ट टाइम कब मॉडिफाई हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं वो डेट नज़र आ रही है। पब्लिक एक्सेस फिलहाल नहीं है मेरे पास, एक्सेस कंट्रोल यूनिफॉर्म है, प्रोटेक्शन है, सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगर यहाँ पर फिर भी आप इसके कुछ ऑप्शंस को हटाना घटाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं दो ऑप्शन रह गए हैं, रेप्लिकेशन वाला और लेबल वाला। इसको अगर मैं ओके कर दूँ तो ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन भी ऐड हो गया जिसको लेबल कहते हैं ये लोग, और यहाँ पे रेप्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो रेप्लिकेशन का ऑप्शन भी यहाँ पे कहीं ऐड हुआ होगा, ये रहा रेप्लिकेशन इज़ डिफ़ॉल्ट रेप्लिकेशन रेफर्स टू ऑल मल्टी रीजन बकेट एंड टू डुअल रीजन बकेट दैट डू नॉट हैव टर्बो रेप्लिकेशन इनेबल। तो डिफ़ॉल्ट जो होती है रेप्लिकेशन वो फ्री होती है, बट टर्बो के पैसे लगते हैं, ये ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो देखिए जी ये मेरी बन चुकी है बकेट, मैं इस बकेट के अंदर आऊँ और मैं यहाँ पे अगर कोई फाइल अपलोड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे जाके फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो मेरी कहाँ है ये रही, मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं इस फाइल को अपलोड करता हूँ। तो ये देखें जी मेरी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है, लेकिन ये फ़ाइल अभी पब्लिक नहीं है। तो पब्लिक ना होने से क्या होगा कि मैं अगर इस फाइल को एक्सेस करना चाहूँ
तो देख लेते हैं ऑथेंटिकेटेड यूआरएल, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ओपन करने की कोशिश करते हैं गूगल क्रोम में। तो जी हाँ, ये मुझे नज़र आ रही है क्योंकि ये मेरे अकाउंट से एक्सेस है। हालांकि बकेट आपकी पब्लिक नहीं है, बट ये जो मेरी फाइल है ये मुझे फ़िलहाल नज़र आ रही है, मेरे पास, मैं इसको ओपन कर पा रहा हूँ, लेकिन इसके पास पब्लिक एक्सेस नहीं है। अगर मैं इसको पब्लिक एक्सेस देना चाहता हूँ या आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो यहाँ गूगल में ये भी एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, आप उसी के अंदर भी प्रीव्यू देख सकते हैं। अब मैं अगर इसी को यहाँ डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरी ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी सी। तो क्योंकि मैं अकाउंट का एडमिन हूँ, मैं ये सारे काम कर सकता हूँ, मेरे पास इसका एक्सेस है, और इसीलिए मेरा ये यूआरएल ओपन भी हो गया। ऑथेंटिकेटेड यूआरएल, ओनली यूजर्स ग्रांटेड परमिशन कैन एक्सेस द ऑब्जेक्ट विद दिस लिंक। तो मेरे पास तो ऑलरेडी परमिशन है क्योंकि मैं इसका एडमिन हूँ, बट और कोई नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं इसके एक्सेस को और किसी को देना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, वो कैसे करते हैं वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे एडिट मेटा डेटा का ऑप्शन है, आप चाहें तो इससे रिलेटेड अगर कोई मेटा डेटा, इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई मेटा डेटा चेंज करना चाहें, कुछ अपडेट करना चाहें, तो यू कैन एडिट दैट थिंग। उसके बाद एडिट एक्सेस पे जाएँ और देखो ये क्या आ रहा है, कैन नॉट गेट लीगेसी ACL फॉर एन ऑब्जेक्ट वैन यूनिफॉर्म बकेट लेवल एक्सेस इज इनेबल्ड। तो ये कहते हैं जी यहाँ पर आप ऐसे नहीं इसको कर सकते। तो हम कहते हैं जी ठीक है, हम वापस आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, हम परमिशंस पे क्लिक करेंगे, और परमिशंस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है नो ऑब्जेक्ट लेवल ACL इनेबल्ड, और यहाँ पे आ रहा है नॉट पब्लिक। तो यहाँ पे प्रिवेंट पब्लिक एक्सेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे ना आप देखें कुछ परमिशंस नज़र आ रही हैं कि जी ये जो है क्या परमिशन दी हुई है क्या नहीं दी हुई है। तो आप यहाँ पे एक परमिशन ऐड करेंगे अगर आप इसे पब्लिक बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे ऑल यूज़र्स, ये देखें ऑल यूजर्स का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, और रोल में आप इसको सेलेक्ट कर दें व्यूअर, आप क्लाउड स्टोरेज में आ जाएं। ये क्लाउड स्टोरेज में मैं आ गया और मैं कहता हूं स्टोरेज ऑब्जेक्ट व्यूअर, कि बंदा स्टोरेज के ऑब्जेक्ट को देख सकता है। सारे यूजर जो हैं, आर यू श्योर यू वांट टू मेक दिस रिसोर्स पब्लिक, देखो इसने खुद ही कह दिया कि इसको मतलब ये है कि हर बंदा देख सकता है। एडिंग ऑल यूजर्स और ऑल ऑथेंटिकेटेड यूजर टू दिस रिसोर्स विल मेक इट पब्लिकली एक्सेसिबल टू एनी वन ऑन द इंटरनेट। तो इसका मतलब ये है कि अब कोई भी इंटरनेट पे देख सकता है। तो मैं कहता हूँ जी हाँ, मैं इसे पब्लिक एक्सेस देना चाहता हूँ। तो ये एक रोल देने से मेरी जो बकेट है वो अब देखें आप पब्लिक टू इंटरनेट हो चुकी है, और अब यहाँ पे एक यूआरएल आ रहा होगा, पब्लिक यूआरएल, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको और ये देखें पब्लिक टू इंटरनेट आ गया, और यहाँ पे एक मेरे पास कॉपी यूआरएल का ऑप्शन भी आएगा, आई विल शो यू। ये देखें कॉपी यूआरएल, ये यूआरएल मैंने अब किसी के भी साथ शेयर करना है और उस बंदे को भी ये इमेज नज़र आने लगेगी, आप ध्यान रखें इस बात का। ये देखें तो ये जो मेरे को नज़र आ रही है फ़ोटो, ये अब सबको नज़र आएगी जिनके पास ये पब्लिक एक्सेस होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से GUI में हमने ये काम किया है। अगर आप और मल्टीपल फाइल्स या फोल्डर अपलोड करना चाहते हैं, आप पूरे का पूरा फोल्डर अपलोड कर सकते हैं, आप फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर जाएँ और आप इधर पर क्लिक करें और यहाँ पे देखें आपके पास डिलीट का ऑप्शन भी होगा। कहाँ गया भाई डिलीट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करें, ये रहा डिलीट। तो हमें यहाँ पे डिलीट करना है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, अपलोड करना चाहते हैं अपलोड कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और ट्राई करते हैं यहाँ पे GUI के थ्रू, कि क्या यहाँ पे जो बकेट हमने बनाई है, क्या इस बकेट को हम इसकी स्टोरेज क्लास चेंज कर सकते हैं या हम इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं ये अगर हम देखने की कोशिश करें। तो हमें यहाँ पे एडिट का ऑप्शन एज सच कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और यहाँ देखें आप रेप्लिकेशन चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास, यस यू कैन चेंज दिस स्टोरेज क्लास, आप चाहें आप इसको नियर लाइन करके सेव कर दें। राइट नाउ ये मूव जो आपकी बकेट है इसकी स्टोरेज क्लास नियर लाइन बन गई, दिस इज़ पॉसिबल। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या मैं इसकी लोकेशन चेंज कर सकता हूँ? जी नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्या मैं लोकेशन टाइप चेंज कर सकता हूँ? जी नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंटरव्यू के लिहाज से, एग्जाम के लिहाज से, याद रखिएगा। लोकेशन को चेंज नहीं किया जा सकता, उसके लोकेशन टाइप को चेंज नहीं किया जा सकता, बट रेप्लीकेशन या स्टोरेज क्लास इसको कभी भी किसी भी टाइम चेंज किया जा सकता है। मैं दोबारा स्टैंडर्ड कर देता हूँ, दैट यू कैन डू।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और खास तौर पे ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सेस कंट्रोल भी अगर यूनिफॉर्म आपने किया हुआ और आप फाइन ग्रेन करना चाहते हैं, दैट यू कैन डू, ये भी आप कर सकते हैं। तो सब कुछ मैंने आपको यहाँ लाइव में करके दिखा दिया है। अच्छा, ऑब्जेक्ट वर्जनिंग यहाँ ऑफ है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इसे ऑन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। इसके लिए आप बैक में आएँ, और मैं वर्जनिंग की वैसे अलग से वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसलिए यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिखा रहा। आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आप प्रोटेक्शन ये रहा, ऑब्जेक्ट वर्जनिंग ऑफ, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। आप यहाँ पर टर्न ऑन ऑब्जेक्ट वर्जनिंग आ रहा है, आप जैसे इसको कन्फर्म करेंगे वो हो जाएगी, आपकी वर्जनिंग जो है वो कन्फर्म हो जाएगी, आप इसको कन्फर्म कर सकते हैं। तो वर्जनिंग बाद में भी की जा सकती है। लाइफ साइकिल और वर्जनिंग इनकी मैं आपको वीडियो जो है मैं अगले उसमें लेके आऊँगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि अभी खाली आपको बेसिक चीज़ें ये दिखा देता हूँ कि बकेट कैसे क्रिएट होती है, और उसके साथ साथ यही चीज़ें अब मैं आपको क्लाउड शेल के थ्रू दिखाता हूँ कि क्लाउड शेल के थ्रू ये सारा काम हम कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको GUI के थ्रू काम करना आ गया होगा, और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज और दिलचस्प चीज क्लाउड शेल के थ्रू यही काम कैसे करना है, और बहुत सारी कमांड जिसे सीखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है 200% हो जाएगा, तो वो मैं आपको यहां दिख चुका हूं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये सारी कमांड अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। कोई नहीं बताएगा इस तरीके से कि पहले यहां पर लिखवाए और फिर आपको कॉपी में नोट डाउन करने का मौका दे, क्योंकि इसका फायदा यह है कि जब आप लैब करने बैठेंगे तो आपके पास कमांड्स होंगे, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं चाहता तो लैब में भी शो कर सकता हूं, हालांकि उसमें मेहनत ज्यादा ही लग रही है मेरी, पर मेरी कोशिश यह है कि आपको उस अप्रोच के साथ सिखाऊं जिससे कि आप बेहतर तरीके से सीख पाएं घर बैठ के, और आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। और यार इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा आपकी भी मोहब्बत बनती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया करो। चैनल को आप शेयर कर सकते हो, लिंक्डइन पे मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो हमें टैग करते हैं, भूपिंदर राजपूत को टैग करते हैं, टेक्निकल गुफ्तगू को टैग करते हैं, बताते हैं कि यार ये एक चैनल है कि जहां पे आपको ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, और बिल्कुल बंदा बोर्ड पे ऐसे पढ़ाता है आपको लगेगा क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। एंड आई होप आपको भी ये फील होता होगा कि हाँ यार सर की बातें समझ तो आती हैं, तो थोड़ा सा फेवर हमें जरूर करें, क्योंकि देखें जब कोई इंसान आपके लिए अच्छा करता है ना तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है, जब आप उसी चीज को अप्रिशिएट करते हैं, लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। तो हमने ना दिल को छोटा नहीं रखना कि बस अपने तक रखना है, मैं ही पढ़ लूं, दोस्तों को ना बताऊं, नहीं तो उन्हें भी पता चल जाएगा मैं कहां से सीख के आता हूं। अगर यही सोच के मैं बैठ जाता तो शायद आज मैं आपको यहां पे नहीं सिखा रहा होता, या फिर इसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज कर रहा होता। एक चीज और मैं बता दूं कि कुछ लोगों को ये शिकायत है कि भूपिंदर सर आप YouTube पे आने वाले वक्त में आप और ज्यादा वीडियो लेकर आएंगे या नई सीरीज लेकर आएंगे या नहीं आएंगे, या आप भी और लोगों की तरह कुछ ऐसा शुरू कर देंगे कि आप भी बस पैसे लेकर ही या फिर वीडियोस को हाइड कर देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों, और मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मैं सच बताऊं, मैं जितना रियल लाइफ में या रियल टाइम में लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूं उससे ज्यादा डिटेल में मैं YouTube पे ईमानदारी से पढ़ाता हूं। कोशिश ये है कि जो लोग पैसे नहीं दे सकते, जो लोग ऐसे रिमोट एरिया में रहते हैं जहां पर उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि वो भूपिंदर राजपूत से पढ़ सके, वो भी घर बैठ के पढ़ पाए बिना किसी झिझक के, बिना किसी पैसे को खर्च किए बिल्कुल भी। आप मुझे किसी प्लेटफॉर्म, कोई पेड प्लेटफॉर्म पे मेरे पेड कोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचना कि भूपिंदर राजपूत कभी ऐसा करेगा, नो नीड टू वरी गाइज। और मैं इतना डिटेल में सिखा दूंगा गूगल क्लाउड आपको कि आप इसका इंटरव्यू पूरी दुनिया में कहीं पर दे देना, आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। और जिस दिन हो जाए कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा और लिंक्डइन पे भी बताइएगा कि हाँ सर आपके लेक्चर देखकर हमारा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा लगता है यार, एक टीचर के लिए, एक ट्रेनर के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो देखें जरा क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड शेल के थ्रू हमने कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने कंसोल के अंदर ही टॉप पे क्लाउड शेल का आइकन होता है कुछ इस तरीके का, आपको याद होगा एक बॉक्स बना होता है, तो उसमें आपको क्लिक करना है क्लाउड शेल पे और सिलेक्ट योर प्रोजेक्ट, आपको अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा, नहीं है तो वहां पे कमांड भी आ रही होगी कि आप सेट प्रोजेक्ट कर सकते हो, उससे आप जो है अपना प्रोजेक्ट सेट कर लें। करने के बाद ये दो कमांड मैं इस बार आपको लैब में करके दिखाऊंगा, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि कई बार क्या होता है मेरे क्लाउड शेल पे कुछ काम पहले से हो रखा होता है, जिसकी वजह से वो चीजें मेरे में नजर आती है आपके में नजर नहीं आती। आप कहते हो यार ये फाइल तो मेरे में है ही नहीं, ये फोल्डर मेरे में है ही नहीं, सर के में कहां से आ गया? तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी आपको ऐसा लगे कि यार सर ने तो फटाफट करके दिखा दिया, हमारे पास ये था ही नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा,
ls-a, इसका मतलब होता है कि मेरी होम डायरेक्टरी में जो कुछ पड़ा है मुझे दिखाओ, तो जितनी फाइलें होंगी उन्हें मैं डिलीट कर रहा हूं। sudo rm-rf remove, और hyphen r होता है रिकर्सिव के लिए, f होता है फोर्स के लिए, तो मैं फोर्सफुली सब कुछ रिमूव कर रहा हूं जो भी जितनी भी फाइलें पड़ी हैं। तो मैं पहले ये कमांड चलाऊंगा sudo rm-rf डॉलर का साइन और होम, इससे क्या होगा मेरी जो फाइलें हैं जितनी भी उसमें पड़ी थी अब तक की सारी डिलीट हो जाएंगी। डिलीट करने के बाद मैं क्लाउड शेल को रीस्टार्ट करूंगा, ऊपर ऑप्शन होता है लैब में दिखा दूंगा, सब कुछ करके दिखाऊंगा। ऐसा करने से अब आप और मैं सेम लेवल पे आ जाएंगे, मेरी मशीन में कुछ पहले से नहीं होगा जिससे कि आपको ऐसा लगे कि सर के पास शायद पहले से था, हमारे में तो ये चीज नजर ही नहीं आ रही, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, अब सबसे पहली कमांड है क्रिएट अ बकेट। देखो ग्रीन लाइन जहां जहां की हुई है उसका मतलब है कि ये कमांड्स हैं जो आपने चलाकर देखनी है। तो यहां पर पहली है कि जी कमांड बकेट कैसे क्रिएट होती है। देखो गूगल स्टोरेज के लिए उनकी एक कमांड बाय डिफॉल्ट होती है जीएस यूटिल, बड़ी पॉपुलर कमांड है जीएस यूटिल। तो ये अपनी क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस अगर आपने करना है, गूगल की क्लाउड स्टोरेज को क्लाउड शेल के थ्रू आपने एक्सेस करना है, उस पर काम करना है, तो इनकी कमांड होती है जीएस यूटिल, यानी कि गूगल स्टोरेज यूटिलिटी। तो ये इनकी जीएस यूटिल नाम की एक कमांड है, इसी के थ्रू गूगल क्लाउड स्टोरेज के सारे काम किए जाते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट लगाना ही है आपको, हर जगह जहां भी क्लाउड स्टोरेज की कमांड आपने चलानी है जीएस यूटिल का इस्तेमाल होगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं और हर रेस्टोरेंट के आगे लिखा हुआ होता है, हर खाने के आगे लिखा हुआ होता है शाही पनीर, शाही मटर पनीर, शाही कोफ्ता, शाही गुलाब जामुन, शाही रसगुल्ला, हर चीज के आगे जबरदस्ती का शाही लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही है, यहां पे हर चीज के आगे जीएस यूटिल आपको लगा मिलेगा जब भी आप क्लाउड स्टोरेज पे काम करोगे। लेकिन पहले हमने जो है बकेट बनानी है, तो बकेट बनाने के लिए आपने क्या करना है, जी क्लाउड एमबी, एमबी का मतलब क्या है, मेक बकेट, बकेट बनाओ हाइफन बी। ठीक है, हाइफन बी का मतलब है मैं बकेट पे काम कर रहा हूं और उसकी जो परमिशंस है, जो उस पे सॉरी जो उसका क्या बोलते हैं उसको, जो उसको उसकी जो क्रिया आई थिंक ये है हाइफन बी, मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, ठीक है मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है एग्जैक्टली, बट हाइफन बी ऑन आपको करना पड़ेगा, ऑन करने से आप इस बकेट पे काम कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने ऑन करना पड़ेगा। फिर है हाइफन एल, हाइफन एल होता है लोकेशन के लिए, तो आप लोकेशन में जाएंगे और लोकेशन आप सिलेक्ट करेंगे यूएस ईस्ट वन, आप रीजनल बना रहे हैं, अगर आप मल्टी रीजन बना रहे हैं तो आप यूएस भी लिख सकते हैं तो भी काम चल जाएगा, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने यहां पे इसको रीजनल बना दिया। उसके बाद जीएस, जीएस मतलब गूगल स्टोरेज, कॉलन लगा के फॉरवर्ड स्लैश लगाना है दो बार, और वो बकेट का नाम जो भी आप बकेट को देना चाहते हैं, जैसे मेरे केस में मैं अपनी बकेट को नाम दे रहा हूं टीजी बकेट 454, बकेट का नाम लिखो और उसको क्लोज करने के लिए या उसका सेपरेशन करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश से बंद कर दो। तो मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया कि यहां तक मेरा बकेट का नाम है। ये करके मैं जैसे ही एंटर करूंगा मेरी एक बकेट क्रिएट हो जाएगी। मैं क्लाउड शेल पे अपने कंसोल पे जाऊंगा, चेक करूंगा क्या टीजी बकेट 454 बन गई है। जी हां, आपको बनी हुई दिखेगी। उसके बाद अब उस बकेट में मैंने कुछ अपलोड करना है, कोई फाइल अपलोड करनी है, तो क्लाउड शेल के थ्रू फाइल अपलोड करने के लिए ये जरूरी है कि पहले क्लाउड शेल वाली मशीन पर वो फाइल हो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्लाउड शेल चलता है वो एक वर्चुअल मशीन के ऊपर ही चलता है, तो उसको एक मशीन आप समझे, तो उस मशीन में पहले वो फाइल लानी पड़ेगी। अब या तो वो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं डब्ल्यू गेट कमांड के थ्रू, या फिर आप उसमें अपलोड का ऑप्शन होता है क्लाउड शेल के अंदर, फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपलोड के ऑप्शन पर जाऊंगा। कैसे जाना है, क्लाउड शेल पर जहां आपका ऑप्शन होता है, आपका क्लाउड शेल ओपन होगा, वहां पे क्लाउड शेल के अंदर आपको तीन डॉट नजर आएंगे ऊपर टॉप पे, उस पे आपको क्लिक करना है, वहां अपलोड का ऑप्शन नजर आएगा। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे वहां ऑप्शन आएगा फाइल या फोल्डर, आपको फाइल पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप फाइल सिलेक्ट करेंगे वहां पे आपको वो ब्राउज करेगा आपके कंप्यूटर में से, तो आप कोई भी एक फाइल उठा लो। मेरे केस में मैं एक फोटो उठा लूंगा जिसका नाम होगा bhupinder.jpg, मैं इस नाम की एक फोटो उठा लूंगा। ठीक है, ये अपलोड होने के बाद आपको दिखेगी भी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, एक्सटेंशन जरूरी होता है .jpg, जैसे मैंने मेरे केस में लिखा है, आपके केस में जो भी है वो लिखना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता कि .jpg है या नॉर्मल नाम है, भूपिंदर ही नाम से सिर्फ फाइल है, वो चेक करना है, तो आप ls कमांड चला लीजिएगा। इसको अपलोड करने के बाद ls कमांड चलाइएगा क्लाउड शेल में, तो आपको आपकी अपलोड की हुई फाइल जिस भी नाम से नजर आ रही है आपको उसी नाम से आगे काम करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लैब में दिखा दूंगा। अब आप जीएस यूटिल करेंगे, यहां पर सारा काम देखें, क्लाउड स्टोरेज में चाहे कुछ अपलोड करना है बकेट के ऊपर मेरी मशीन से, मेरी लोकल मशीन, यहां पर मेरी लोकल मशीन क्या है, क्लाउड शेल वाली मशीन, तो मुझे लोकल मशीन से वहां पे अपलोड करना है या वहां से लोकल मशीन पर लेके आना है, कुछ भी काम करना है वो कॉपी के थ्रू होगा, क्योंकि आप कॉपी कर रहे हैं या तो लोकल मशीन से क्लाउड स्टोरेज पे या क्लाउड स्टोरेज से लोकल मशीन पे, तो
कमांड जो रहने वाली है वो सीपी रहने वाली है, सीपी मतलब कॉपी। मैं कहां से कहां कॉपी कर रहा हूं ये मुझे बताना है। तो जीएस यूटिल का मैं इस्तेमाल करूंगा, फिर मैं सीपी लिखूंगा यानी कि मैं कॉपी करना चाहता हूं, पहले वो फाइल का नाम जिसे मैं कॉपी करना चाहता हूं और फिर उसका डेस्टिनेशन। तो ये है मेरी फाइल और ये है वो डेस्टिनेशन जहां मैं इसे कॉपी करना चाहता हूं। तो मैं कहता हूं कि भाई ये bhupinder.jpg नाम की फाइल क्योंकि अब मेरी लोकल मशीन में पड़ी है, तो मैं यहां पे उस फाइल को लिखूंगा जिसको भी मैं स्टोरेज में भेजना चाहता हूं और उसका डेस्टिनेशन क्या है, मेरी बकेट का नेम। तो gs:\\bucket का नाम आ जाएगा। तो ये मेरी डेस्टिनेशन में ये जो फाइल है ये कॉपी हो जाएगी, लोकल मशीन पे भी रहेगी और मेरी बकेट में भी मुझे नजर आएगी। मैं क्लाउड शेल सॉरी कंसोल पे जाके आपको दिखाऊंगा कि फाइल वहां नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका मतलब फाइल वहां अपलोड हो गई है। तो अपलोड करने के लिए कॉपी करना पड़ता है अगर आपने अपलोड करना है क्लाउड शेल पे सॉरी कंसोल पे, नॉट कंसोल सॉरी बकेट पे। उसके बाद अगर अब उसी ऑब्जेक्ट को आपने डाउनलोड करना है, यानी बकेट में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है आपके आपके क्लाउड स्टोरेज में और उसको आपने डाउनलोड करना है, तो उसका क्या तरीका है, वो भी सेम है, कॉपी ही करना पड़ेगा। चाहे डाउनलोड करना हो चाहे अपलोड करना हो, आपको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने का मतलब ही है कि वो डेटा मेरे पास आ गया, कॉपी का मतलब यही होता है ना, मैं डाउनलोड कर लूं या उसको कॉपी कर लूं, मेरा मकसद है उस फाइल को रिसीव करना, वो हो गई मेरी। तो जीएस यूटिल कॉपी मैं लिखूंगा सीपी, उसके बाद मैं उस बकेट का नाम जहां से मुझे कॉपी करना है, ये सोर्स है, ऑलवेज रिमेंबर ये सोर्स होगा मेरा, और कहां पे कॉपी करना है वो डेस्टिनेशन मुझे बताना पड़ेगा। ये मेरा डेस्टिनेशन होगा, याद रखिएगा दिस इज माय डेस्टिनेशन। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन बहुत इजी है, कमांड बड़ी सिंपल है, जीएस यूटिल कॉपी सोर्स नेम डेस्टिनेशन नेम, पूरा आपको पाथ बताना पड़ेगा जैसे लिनक्स में बताते हो। जैसे कि यहां मैंने बताया सोर्स क्या है, मेरी गूगल स्टोरेज के अंदर एक बकेट है tgbucket 454, उसके अंदर एक फाइल है bhupinder.jpg जो मुझे कॉपी करनी है, बेसिकली ये चीज मुझे कॉपी करनी है, जो लास्ट में जो फाइल नेम होता है वो कॉपी होता है। तो मैं इसे कॉपी करना चाहता हूं, कहां कॉपी करना चाहता हूं, अब मैं डेस्टिनेशन का एड्रेस दे रहा हूं। तो ये एड्रेस मुझे कहां से मिला, मेरे केस में मुझे ये नजर आ रहा है, आपके केस में ये नजर नहीं आएगा। तो ये चीज कैसे नजर आएगी, इसके लिए आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, देखो जरा ध्यान से, आप इस कमांड को चलाने से पहले, ये वाली तीसरे नंबर की कमांड को चलाने से पहले एक कमांड चलाइएगा, उसका नाम है pwd। आप ये कमांड चलाना, तीसरे नंबर की कमांड चलाने से पहले ही ये कमांड चला लेना। जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे आपके पास कुछ आउटपुट आएगा, /home/ जो भी आपकी जनरली जीमेल की ईमेल आईडी जिससे आपने अकाउंट बनाया है वो आपको यहां नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपका कुछ भी xyz नाम है तो आपको वो xyz नजर आ रहा होगा। इसका मतलब ये है ये मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है pwd, यानी मैं इसके अंदर अभी काम कर रहा हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं मैं यहां पर कर रहा हूं, होम के अंदर आकर xyz नाम की किसी डायरेक्टरी में मैं ये काम कर रहा हूं। तो ये पहले pwd कमांड चला के आप ये चेक कर लीजिएगा क्या पाथ आ रहा है, और ये जो पाथ है यही आपने यहां पर लिखना है इतना, यानी कि होम और उसके बाद जो भी आपके केस में नजर आ रहा है, मेरे केस में aws3may नजर आएगा क्योंकि मेरी जीमेल आईडी इसी नाम से मेरा अकाउंट क्रिएट हुआ है। आपको भी यहां पर कुछ नजर आ रहा होगा जब आप pwd चलाओगे, तो वो यहां पर आएगा, वो पूरा पाथ जो भी यहां पर आ रहा है ना pwd करने के बाद आउटपुट जो आ रहा है वो सेम आउटपुट आपको यहां लिखना है। फॉरवर्ड स्लैश आप क्या नाम देना चाहते हैं उस डाउनलोडेड फाइल को, फॉर एग्जांपल मैंने जो ये फाइल कॉपी कर रहा हूं और मैं अपने लोकल मशीन पर लेकर आ रहा हूं, मैं उसको किसी और नाम से सेव करना चाहता हूं, अगर मैं सेम नाम से करना चाहता हूं तो सेम नाम लिखूंगा। मैं चाहता हूं ये फाइल मेरे यहां पे download.jpg के नाम से सेव हो जाए, ऐसा क्यों, ताकि डिफरेंस नजर आए, ऑलरेडी bhupinder.jpg के नाम से मेरे पास फाइल पड़ी है, मेरी लोकल मशीन में मैंने अपलोड की थी, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि दो सेम नाम की फाइल आए या कोई दिक्कत हो। तो मैं नाम को चेंज करके उसे सेव कर रहा हूं कि नाम भी चेंज हो जाए और वो मेरे वहां से यहां पर डाउनलोड भी हो जाए। तो मैं उसका नाम जो भी मैं देना चाहता हूं, मैं अपने केस में download.jpg दे रहा हूं, आप भी यही दे सकते हो। ये देखकर जैसे ही कमांड आप चलाओगे आपकी जो बकेट में पड़ा हुआ डेटा है वो कॉपी हो जाएगा आपकी लोकल मशीन पे। आप जब ls कमांड चलाओगे तो आप ls कमांड चलाकर भी देख लेना उसके बाद, तो आपको download.jpg भी आपकी डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल नजर आएगी। उसके बाद अगर यही ऑब्जेक्ट किसी फोल्डर के अंदर बकेट में बनाना है, यानी एक बकेट मेरी जो बनी हुई है गूगल स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज के अंदर, वहां पे मैं एक फोल्डर बनाना चाहता हूं, उस फोल्डर के अंदर मैं उस फाइल को अपलोड करना चाहता हूं, या पहले से कोई फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर करना चाहता हूं, तो इस तरह के कामों के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज के अंदर फोल्डर भी बनाए जा सकते हैं, तो मैं यहां पर दोनों काम एक साथ कर रहा हूं।
मैं इस कमांड को चलाऊंगा, कॉपी द ऑब्जेक्ट टू अ फोल्डर। तो मैं एक ऑब्जेक्ट को, मेरी सपोज करें कि बकेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उसे ही कॉपी करना है उसी बकेट के किसी दूसरे फोल्डर के अंदर। बात समझिए, एक मेरे पास बकेट है, इस बकेट के अंदर मेरे पास एक फाइल है और इस फाइल को मुझे यहां पर एक दूसरा फोल्डर है, ये मेरा एक फोल्डर है, इस फाइल को इसमें कॉपी करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जीएस यूटिल कॉपी यानी कि सीपी मैं करूंगा। पहले मैं सोर्स बताऊंगा, ये मेरा सोर्स है जहां से मुझे वो कॉपी करना है, दिस इज माय सोर्स एंड दिस इज माय डेस्टिनेशन, ये मेरा डेस्टिनेशन होगा। सिंपल कमांड है जीएस यूटिल कॉपी सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो यानी जहां से जो करना है उसको कॉपी करने के लिए सोर्स होना चाहिए और जिस डेस्टिनेशन पे वो कॉपी करना है, पेस्ट करना है आपने, वो आपका डेस्टिनेशन। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा सोर्स में क्या लिखा, जीएस कॉलन फॉरवर्ड स्लैश बकेट का नाम टीजी बकेट 454 और मैंने कहा उसके अंदर एक फाइल है bhupinder.jpg, ये मुझे कॉपी करनी है किसी फोल्डर के अंदर। लेकिन फोल्डर मेरे पास अभी है नहीं क्योंकि मैंने कहीं बनाया ही नहीं। तो आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, पहले एक फोल्डर भी बनेगा और उसके अंदर फिर वो फाइल सेव हो जाएगी जिस नाम से आप चाहोगे। तो मैं डेस्टिनेशन में क्या कर रहा हूं, मैं जीएस कॉलन forward slash वही बकेट, उस बकेट के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूं। तो मैं यहां पे वो फोल्डर का नाम लिखूंगा क्योंकि अगर ये चीज पहले से प्रेजेंट होती तो इसके अंदर इस नाम से ये फाइल कॉपी हो जाती, पर अगर ये चीज प्रेजेंट ही नहीं है तो ये क्या करेगा, गूगल स्टोरेज क्या करेगा या मेरा क्लाउड शेल क्या करेगा, पहले माई फोल्डर नाम से एक फोल्डर बनाएगा, फिर उसके अंदर new.jpg के नाम से इस फाइल को सेव कर देगा। समझिए बात को। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूं bhupinder.jpg को, लेकिन नाम चेंज करके कॉपी कर रहा हूं। तो new.jpg के नाम से माई फोल्डर में मेरा ये काम हो जाएगा। आप जैसे इस कमांड को चलाओगे उसके बाद कंसोल में जाके देखोगे एक फोल्डर बन चुका होगा और उसके अंदर new.jpg के नाम से एक फाइल आ चुकी होगी जो कि कुछ नहीं होगी, यही वाली फोटो होगी, बस नाम बदल के वहां पे सेव हो गई होगी। आई होप यहां तक मजा आ रहा होगा आपको। लिस्ट कंटेंट ऑफ अ बकेट, अब आपकी बकेट में क्या क्या पड़ा है ये सारी चीजें क्लाउड शेल से चेक करना चाहते हो तो वही सिंपल लिनक्स वाली कमांड है ls लगाना है। ls का मतलब क्या होता है, लिस्ट, कि भाई लिस्ट मुझे दिखाओ, किस चीज की लिस्ट दिखाओ, मेरी जो भी बकेट है जिसको भी मैं वहां पे सर्च करूंगा, मेरा यानी कि सोर्स जीएस कॉलन forward slash टीजी बकेट 454, इसको जैसे ही मैं कमांड चलाऊंगा ls के साथ तो इस बकेट के अंदर जो कुछ पड़ा है, जो फोल्डर पड़े हैं, जो फाइलें पड़ी हैं, मुझे नजर आ जाएंगे। उसके बाद अगर मैं किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल bhupinder.jpg की डिटेल देखना चाहता हूं कि इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन में क्या आएगा कि ये फाइल कब अपलोड की गई है, ये फाइल का साइज क्या है, ये फाइल किस डेट को अपलोड की गई है या अपडेट की गई है, इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स आप चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड सिंपल होती है, यही वाली कमांड होती है जीएस यूटिल ls, लेकिन उसके साथ -l लगा देते हो। -l का मतलब है लॉन्ग, तो लॉन्ग का मतलब है डिटेल, मेरे को डिटेल में चाहिए उसको। तो यहां पे जीएस कॉलन उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश टीजी बकेट 454 और जिस भी फाइल की डिटेल आपको चाहिए उस फाइल का नाम, जैसे ही आप करके एंटर करोगे इस फाइल की जो भी डिटेल होंगी, कब अपलोड हुई है, क्या साइज है, सब कुछ नजर आएगा, कितने MB की फाइल है, आपको सब नजर आएगा। इसके बाद ये सारे काम तो हमने कर लिए, लेकिन अगर आप कंसोल में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फाइल अब तक पब्लिक नहीं है, नॉट पब्लिक नजर आएगी आपको, आपको फाइल बकेट जो है वो नॉट पब्लिक नजर आएगी और आप चाहते हैं मेरी ये बकेट जो है इसको मैं पब्लिक बनाना चाहता हूं, तो आपको एक IAM पॉलिसी के अंदर चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए कमांड आपको चलानी पड़ेगी जीएस यूटिल IAM में आपको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए कमांड चलाओगे IAM और आपको चेंज करना है इसलिए आप कमांड चलाओगे CH और उसके बाद मैं ये परमिशन यहां पर दूंगा ऑल यूजर्स, यहां पे U कैपिटल है, V कैपिटल है, मेक श्योर यहां पे ये जो है स्पेसिफिक होता है, करेक्टर स्पेसिफिक होता है, तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की वजह से भी एरर आ सकता है। तो अगर आपके केस में कोई भी कमांड चलाते हुए एरर आए तो सिर्फ एक गलती आप कर रहे होंगे कि आपने जो भी कैपिटल में आपने लिया होगा या स्मॉल आपने कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर लिया होगा। मेक श्योर आप कैपिटल कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि वो कमांड के अंदर लिखा ना हो। तो स्मॉल लेटर लेना है कि कैपिटल लेटर लेना है ये मेरी लैब को पहले देख लीजिएगा मैं वहां पे क्या टाइप कर रहा हूं, एग्जैक्ट टाइप करिएगा। तो आप यहां पे कमांड चलाएंगे जीएस यूटिल IAM CH यानी मैं चेंज करना चाहता हूं पॉलिसी में क्या, ऑल यूजर्स, जितने भी यूजर्स हैं, मैं ऑथेंटिक यूजर्स नहीं कर रहा हूं, ऑल यूजर कर रहा हूं, वो ऑथेंटिक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया के जितने
कितने यूजर हैं वो मेरे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये पॉलिसी मैं अप्लाई कर रहा हूं और किस पे अप्लाई कर रहा हूं, इस बकेट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, gs://tgbucket454। तो क्या होगा, इससे मेरी जो बकेट है वो पब्लिक हो जाएगी। मैं कंसोल पर जाके दिखाऊंगा तो आपको वहां पर फिर पब्लिक नजर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने अपनी बकेट को डिलीट करना है या ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो वही लिनक्स वाली कमांड होती है rm, rm मतलब रिमूव, रिमूव आप करेंगे और यहां पे आप ये कमांड चलाएंगे gs util rm। उसके बाद जिस भी चीज को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल इस बकेट के अंदर भूपेंद्र डॉट jpg नाम की फाइल को डिलीट करना है तो वो डेस्टिनेशन आप बताओगे जिसको आप डिलीट करना चाहते हो, या फिर अगर आप पूरी बकेट और सारे ऑब्जेक्ट एक साथ डिलीट करना चाहते हो कि मैं वन बाय वन ना करूं, मैं एक साथ बकेट और उसमें पड़े हुई जो भी फाइलें हैं वो सब इकट्ठी डिलीट हो जाए, तो rm के आगे -r लगा देना। इसका मतलब होता है रिकर्सिव डिलीट। तो रिकर्सिव डिलीट क्या होता है, तो रिकर्सिव डिलीट का मतलब है कि वो पहले उसके अंदर पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करता है और उसके बाद फाइनली उस बकेट को डिलीट करता है, तो वो इस तरीके से डिलीट करना शुरू करता है। तो इसकी कमांड क्या है, gs util rm -r gs colon forward slash tgbucket454। अच्छा यहां पर ना हो सकता है आप जब लिखें कॉपी में तो आप स्पेसिंग विस्पेसिंग भूल जाएं कि भाई इस हाइफन एल के बाद स्पेस है या इसके बाद स्पेस है, या फॉर एग्जाम्पल यहां पे दो लाइनों में था ये रहा, तो आप याद रखिएगा सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों के बीच में स्पेस आएगा, एक एक फॉन्ट का स्पेस आएगा। तो ये सारी चीजें आप पहले लैब में मेरी देख लीजिए कि मैं लैब में कैसे परफॉर्म कर रहा हूं। नोट्स तो बना लो बट नोट्स में करेक्शन के लिए बीच बीच में गुंजाइश छोड़ देना कि अगर कोई कमांड आपसे गलत लिख गई है, यहां से आपने स्पेसिंग प्रॉपर नहीं करी या कुछ नहीं करा, तो हर पॉइंट के बाद चार चार लाइनें छोड़ दीजिएगा, सो दैट अगर कोई कमांड गलत है तो आप वहां लैब में देखकर उसको कट करके सही कमांड लिख सको। ठीक है, तो मैं एक एक चीज गाइड करता हुआ चल रहा हूं ताकि 1% भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए अब ज्यादा टाइम जाया नहीं करते, चलते हैं सीधा लैब पे और उसको परफॉर्म करके देखते हैं। तो मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं और मैं यहां पे क्राउड शेल ओपन कर लेता हूं गाइस। चले अच्छी बात है, तो मैं यहीं पर हूं। अच्छा देखिए मेरे पास है, मैंने कई बार लैब वैब करता रहता हूं तो मेरे पास ऑलरेडी काफी कुछ पड़ा है यहां पे तामझाम। तो मैं क्या करता हूं कि इसको क्लियर कर लेता हूं, ये जितना मुझे तामझाम नजर आ रहा है मैं दोबारा दिखा देता हूं। तो ये सारी चीजें मैं डिलीट करना चाहता हूं, मुझे जितना यहां पे नजर आ रहा है मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं, पुराना काम जितना भी है वो डिलीट हो जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप करेंगे पहले, आप अगर चेक करना चाहते हैं क्या क्या है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ls-a और उसके बाद डॉलर का साइन लगा के आपने होम लिखना है। तो आपको ये सारी फाइलें नज़र आ रही है, मैं इन सारी फाइलों को क्लियर करना चाहता हूँ, तो आपने एक कमांड चलानी है sudo rm-rf। ठीक है, और उसके बाद rm का मतलब होता है रिमूव, -r का मतलब होता है रिकर्सिव, f का मतलब फोर्स, और यहाँ पे मैं डॉलर का साइन लगा के अगर मैं होम लिखता हूँ तो ये सबको डिलीट कर देगा जी। मैं एक मिनट स्पेलिंग सही कर दूँ, तो डॉलर का साइन लगा के मैंने होम लिख दिया और मैं एंटर करता हूँ तो ये सब कुछ क्लियर कर देगा जी। तो ये कहता है जी हमने सब कुछ क्रिएट डिलीट कर दिया है, आप एलएस करें, कुछ आपको नज़र नहीं आएगा, देख सकते हैं आप कुछ फाइल और कुछ अब अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से मैंने इसको क्लीन कर दिया है, एलएस करेंगे अब कुछ नज़र आपको नहीं आएगा, नो फाइल नथिंग। अब आप एक काम कर सकते हैं, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कैसे करते हैं मैं ये भी सिखा देता हूं। आप यहां पे जाएं और यहां पे आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, ऐसा करने से आपका क्लाउड शेल जो है एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा। और मैं यहां पे ऑप्शन देता हूं वांट क्लीन वीएम स्टेट और रीस्टार्ट करता हूं। तो ठीक है जी, मेरा ये रीस्टार्ट हो गया और मैंने इसे क्लीन इसलिए किया है गाइस ताकि आप और मैं सेम लेवल पे आ जाएं, क्योंकि हो सकता है आप बिल्कुल फ्रेश हो, आप फर्स्ट टाइम इस लैब को कर रहे हैं, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी क्लाउड शेल में कई सारी चीज़ें पड़ी थी तो मैंने वो क्लीन इसलिए कर दी ताकि आप और मैं सेम लेवल पे आए। मेरा एरर आएगा तो आपका भी आएगा, और अगर मेरा नहीं आ रहा है तो आपका भी नहीं आएगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि सर का तो हो गया हमारा नहीं हो रहा एरर आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल राइट, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो मेरी कोशिश यही है। तो देखो सबसे पहले आपको बकेट क्रिएट करना सिखाता हूँ, अभी हमने कंसोल के थ्रू देखी है, अब यही सारी चीज़ें हम कमांड लाइन के थ्रू देखेंगे। तो कमांड क्या होगी, gs util मेक बकेट के लिए mb-b ऑन और उसके बाद -l आपने लगाना है और उसमें आपने लिखना है अपना लोकेशन, यानी कि -l से लोकेशन हो जाएगा। मैं कहता हूँ मैं US ईस्ट में 1 में बनाना चाहता हूँ, और उसके बाद आपने देना है बकेट का नाम जिसके लिए आपने gs colon उसके बाद //forward/ और उसके बाद आपको बकेट का नाम देना है जो मैं दूंगा tgbucket454। तो ये मैं इसका नाम दे सकता हूँ, मैं एंटर करता हूँ
फॉरवर्ड स्लैश लगा के, लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश भी लगा दें, एंटर करें। ऑथराइज करने के लिए कहेगा ऑथराइज करें, तो ये बकेट को क्रिएट कर रहा है जी, क्रिएट कर चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मेरी बकेट बनी या नहीं। तो हम चलते हैं दोबारा से क्लाउड स्टोरेज पे, और मुझे यहाँ पे टी जी बकेट 454 नज़र आ रही है। जी हाँ, रीजन क्या है, यूएस ईस्ट 1, जो आप देख सकते हैं मैंने कमांड लाइन में भी यही रीजन लिया है। और ये यहाँ पे नॉट पब्लिक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉट पब्लिक और बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है, मैंने जबकि सिलेक्ट नहीं किया। तो डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या होती है, स्टैंडर्ड होती है। अगर आपने नियर लाइन या कोल्ड लाइन चाहिए तो आपको उसे मैंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ये अपनी एक बकेट क्रिएट की है। अब बकेट क्रिएट करने के बाद अगर मैंने इसमें कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करना है तो देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं। आप पहले उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से डब्ल्यू गेट कमांड के थ्रू, है ना। तो आपको पूरा लिंक डालना पड़ेगा डब्ल्यू गेट कमांड के थ्रू, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बेसिकली होता क्या है, आपकी जो क्लाउड शेल है इस मशीन पर वो फाइल पहले से होनी चाहिए, तब वो आपके वहाँ पर जाती है। तो पहले मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ उस फाइल को, तब मैं उसे बकेट में डाल पाऊँगा। तो यहाँ पर देखें अपलोड का ऑप्शन है, चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है, डेस्कटॉप पर जाते हैं। वही भूपिंदर नाम की फ़ोटो जो है मेरी, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। और ये देखें इसकी डेस्टिनेशन डायरेक्टरी भी आप देख सकते हैं, ये है फॉरवर्ड स्लैश होम फॉरवर्ड स्लैश AWS3MY, ये मेरी डायरेक्टरी है, इसके अंदर मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो आप देख सकते हैं ये फाइल मेरी अपलोड हो गई है। अगर आपको नहीं पता आप प्रेजेंट में कहाँ है, तो PWD यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आप एंटर करेंगे तो भी आपको ये बता देगा कि आप होम के अंदर हैं, उसके अंदर AWS3MY नाम की एक डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरी फाइल अपलोड हो चुकी है, अब मैं उसे इजीली क्लाउड स्टोरेज के ऊपर अपलोड कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरी लोकल मशीन पे है, ऐसा मैं मान लेता हूं, क्योंकि वो मैंने अपलोड कर लिया लोकल मशीन यानी कि क्लाउड शेल मशीन के ऊपर। क्योंकि क्लाउड शेल आपको पता ही है कि ये अपने आप में एक सर्वर पे ही या एक वर्चुअल मशीन ही होती है। तो मैंने इस वर्चुअल मशीन पे पहले उस फाइल को अपलोड किया है, उसके बाद अब मैं उसे क्लाउड स्टोरेज पे अपलोड करूंगा। तो इसके लिए कमांड क्या होगी, आपको कॉपी करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि ऑलरेडी आपकी मशीन में आप उसे क्लाउड स्टोरेज पे करना चाहते हैं। तो आप कमांड चलाएंगे gsutil cp, मतलब कॉपी, बिल्कुल लिनक्स वाली कमांड है। फाइल का नाम भूपिंदर था तो आप भूपिंदर लेंगे, और उसका फॉर्मेट क्या था जब अपलोड हुई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो JPG फॉर्मेट था। मैं यहाँ पे आपको ls करके दिखा भी देता हूँ, अगर मैं ls करूँ तो मुझे फाइल देखें भूपिंदर.jpg नज़र आ रही है। तो मुझे यही सेम फाइल यहाँ पे लेनी है। तो आपको कोई ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं है कि मैं कैसे लिखूँ, मेरी फाइल का नाम क्या है क्या नहीं है, आप चेक कर सकते हो। ls करें आपको पता चल जाएगा। gsutil कमांड आपको चलानी है हमेशा गूगल स्टोरेज के लिए, उसके बाद cp कमांड होती है कॉपी के लिए, उसके बाद आपने अपनी उस फाइल का नाम, ये जो कि ये है भूपिंदर.jpg, मैं इसको लिख लेता हूँ, चाहूँ तो कॉपी भी कर सकता हूँ, ये मुझे एज इट इज़ लिखना है। अब इसे मैं कॉपी कहाँ करना चाहता हूँ, इसे मैं कॉपी करना चाहता हूँ अपनी बकेट में। तो मुझे बकेट का पाथ बताना पड़ेगा, और बकेट का नाम क्या है, tgbucket454। तो tgbucket454 ये मेरी बकेट का नाम हो गया जी। और अब मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा, आप देखें ये फाइल कॉपी हो रही है, ऑपरेशन कंप्लीटेड, 3.8 MIB की फाइल जो है वो अपलोड की जा चुकी है। चलें जी चेक कर लेते हैं, tgbucket454 के अंदर जाते हैं, आप देख सकते हैं भूपिंदर.jpg नाम की एक फाइल है जो मुझे 3.8 MIB की नज़र आ रही है, यहाँ पर भी 3.8 MIB की नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं, लेकिन अभी ये पब्लिक नहीं है। चले अच्छी बात है, तो यानी जो काम हम यहाँ कर रहे हैं वो एक्चुअल में हो रहा है और हमें कंसोल पे नज़र भी आ रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज। अब इसके बाद अगर इसी चीज़ को मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं डाउनलोड कैसे करूँगा, अगर मुझे इसी फाइल को डाउनलोड करना है, सिंपल सा तरीका है गाइज। अगर कोई भी चीज़ फॉर एग्जाम्पल आपकी बकेट में पड़ी है और आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका है, gsutil कमांड आप चलाएं, उसके बाद cp कमांड चलाएं, कॉपी ही आपको बेसिकली करना पड़ेगा। बकेट टू बकेट कर सकते हैं, बकेट टू लोकल मशीन कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। तो यहाँ पे gs यानी कि गूगल स्टोरेज और कॉलन देके फॉरवर्ड स्लैश बकेट का नाम tgbucket454, ये आपको उसका नाम देना है। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट जो आप कॉपी करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं आप उसका नाम लिखेंगे, भूपिंदर.jpg ये फाइल है मेरी जिसे मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। और मैं डाउनलोड कहाँ करना चाहता हूँ, अपनी लोकल मशीन पे करना चाहता हूँ यानी इसी क्लाउड शेल वाली वर्चुअल मशीन पे करना चाहता हूँ। तो मैं उसका पाथ बताऊँगा कि मुझे वो कहाँ डाउनलोड करनी है। चाहूँ तो मैं यहाँ पे जो इसका डिफ़ॉल्ट पाथ आया था ये वाला, इसके अंदर भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये डिफ़ॉल्ट पाथ होम और फॉरवर्ड स्लैश AWS3MY,
और मैं चाहूँ तो इसके अंदर एक और डायरेक्टरी बना सकता हूँ, सपोज करें TG फोल्डर के नाम से, ये भी मैं बना सकता हूँ, और उसके अंदर मैं उसको कॉपी कर सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। और मैं डायरेक्टली चाहूँ तो मैं यहाँ पे AWS 3 के अंदर भी इसको कॉपी कर सकता हूँ, इसी में ये कॉपी हो जाएगी, और मैं डाउनलोड करते टाइम फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए, क्योंकि ऑलरेडी भूपिंदर के नाम से तो फाइल है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ डाउनलोड डॉट JPG, ये मैं नाम देकर इसको डाउनलोड करता हूँ, एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं फाइल कॉपी हो चुकी है। मैं अगर ls करूं तो आपको डाउनलोड वाली फाइल भी नजर आ रही है, डाउनलोड डॉट JPG। तो इस तरीके से आप क्लाउड से, अगर आपने कुछ मशीन पर डाउनलोड करना है या मशीन पर कुछ है क्लाउड पे अपलोड करना है तो आप कैसे करेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। अब जरा आगे के कुछ और चीज़ें देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सब कुछ करना। कंट्रोल एल कर लेते हैं। अब जरा देखते हैं कि अगर हमें कॉपी करना है किसी ऑब्जेक्ट को एक फोल्डर के अंदर, तो हम वो कैसे करेंगे। अगर बकेट के अंदर कोई फोल्डर बना हुआ है और उसमें अगर उसे कॉपी करना है या कुछ ऐसा करना है तो हम कैसे करेंगे। तो पहले हमें बकेट के अंदर फोल्डर बनाना पड़ेगा। अगर आप देखें तो अभी मेरी इस बकेट में जो TG बकेट है, यहाँ पर कोई फोल्डर अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ एक फाइल अवेलेबल है भूपिंदर डॉट JPG के नाम से। तो या तो मैं फोल्डर बना लूँ, या ये फोल्डर भी मैं क्लाउड शेल के थ्रू बना सकता हूँ और उसमें किसी फाइल को डाल सकता हूँ। तो अगर फोल्डर बनाना है और उसमें कुछ फाइल डालनी है, ऐसा कुछ आप करना चाहते हैं, तो आप कैसा कर सकते हैं, GSUtil, वही कमांड है, कॉपी ही आपको करना पड़ेगा। एक्चुअली में डेटा कॉपी ही होता है इधर से उधर, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस बकेट का नाम लिखेंगे जिस बकेट से आपको डेटा उठाना है, मैंने कहा TG बकेट 454, और इस बकेट से कौन सी फाइल उठानी है, भूपिंदर डॉट JPG, ये फाइल मुझे उठानी है। और ये फाइल मैं डालना चाहता हूँ मेरी स्टोरेज में ही, मैं एक नया फोल्डर बनाना चाहता हूँ TG बकेट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 454 के अंदर, और उस फोल्डर का नाम मैं देना चाहता हूँ माई फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर मैं इस फाइल को डालना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल न्यू डॉट JPG के नाम से। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं कि एक फोल्डर भी बन गया और उस फोल्डर के अंदर ये फाइल कॉपी भी हो गई है। तो ज़रा चेक कर लेते हैं, वापस आते हैं बकेट पे, बकेट के अंदर जाते हैं, एंड देख सकते हैं आप माई फोल्डर के नाम से एक फोल्डर बन चुका है। इस पर क्लिक करते हैं, न्यू डॉट JPG के नाम से एक फाइल मुझे नजर आ रही है, वेरी गुड। यानी सारा काम जो क्लाउड शेल के थ्रू मैं कर रहा हूं, और देखें कितना आसान है क्लाउड शेल के थ्रू, कोई एरर नहीं आ रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूं आप वन शॉट में इस पूरी लैब को कर लेंगे, और आपको इतना अच्छा फील होगा अंदर से कि यार मैं इतना कुछ कर पा रहा हूं। तो नो नीड टू वरी गाइज, जब तक टेक्निकल गुफ्तगू है, जब तक भूपेंद्र राजपूत जिंदा है, आपको क्लाउड का मास्टर बना दूंगा जैसा कि मैं आपको कहता हूँ। तो ठीक है जी, यहाँ पे ये बात भी हो गई। अब इसके बाद हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरी बकेट या मेरे फोल्डर में क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, कितनी फाइलें पड़ी हुई हैं, ऐसा कुछ आप देखना चाहते हो तो आपने कमांड चलानी होती है GSUtil, सॉरी ये कमांड मैंने गलत लिख दी, GSUtil कमांड होगी मेरा ख्याल है, बस हाँ सिंपल सी कमांड है, ls ही तो करना है आपने, ls करें। और ls का मतलब लिस्ट होता है ना, जिन्होंने लिनक्स पढ़ी है उन्हें पता होगा, नहीं पढ़ी तो मेरी डेवऑप्स की वीडियो पढ़ लेना, वहाँ पे लिनक्स के साथ लेक्चर पढ़े हुए हैं। और यहाँ पे आप अपनी बकेट का नाम लिख दें कि भाई मेरी बकेट में जो कुछ है मुझे आप वो दिखाओ कि उसमें क्या क्या पड़ा है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये मुझे दिखा देगा जी आपकी बकेट के अंदर एक तो भूपिंदर डॉट JPG नाम की फाइल है और एक उसके अंदर फोल्डर है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मैं देखना चाहता हूँ इस फोल्डर के अंदर क्या है, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल कमांड चलानी है GSUtil, फिर ls कर दो, और उसके बाद ये जो पूरा पाथ है इसे उठाओ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये स्पेस आएगा यहाँ पे बेसिकली ls के बाद, एंटर कर दो, और ये देखें आप इस फोल्डर के अंदर न्यू डॉट JPG नाम की एक फाइल पड़ी है, उसने मुझे बता दिया। तो इट्स वेरी इजी गाइस, मतलब इतना इजी है कि लिनक्स अगर आपको आती है तो क्लाउड शेल पे काम करना मतलब चुटकियों में हो जाएगा, मतलब बाकी सभी क्लाउड से ये बेहद बेहद आसान है, नो नीड टू वरी, ठीक है। अब अगर आपने ये देख लिया, इसके बाद आप देखना चाहते हैं कि यार मेरी जो फाइल पड़ी है न्यू डॉट JPG फॉर एग्जाम्पल, ये क्या साइज है, क्या इसका मेटा डेटा है, क्या कब क्रिएट हुई है, क्या हुआ है, ये डिटेल आप देखना चाहते हैं, तो सिंपल सी कमांड है GSUtil आप करें, ls करें और हाइफन l लगा दें, लॉन्ग लिस्ट है ना, तो हाइफन l आप लगा दें, आपके पास लिस्ट आ जाएगी पूरी, उसकी डिटेल आ जाएगी।
और उसके बाद आप फॉर एग्जांपल ये पूरा पाथ, मैं चाहता हूँ कि ये न्यू डॉट जे पी जी की डिटेल बताए, तो इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने पाथ बता दिया कि मुझे किसकी डिटेल चाहिए, एंटर करते हैं। तो इसने बता दिया जी फाइल का साइज़ ये है और ये 24 अगस्त 2022 को अपलोड की गई है, समय ये था और ये इसका पाथ है, टोटल एक ऑब्जेक्ट है फलाना फलाना और 3.82 MIB की ये फाइल है। तो पूरी डिटेल यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की, इस फाइल की आपको नज़र आ रही है। तो ये बड़ा इजी है गाइज। अच्छा, अब ना यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा जो ये फाइल है यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये अभी पब्लिक नहीं है, नॉट पब्लिक है और मैं इसको पब्लिक बनाना चाहता हूँ। तो मैंने आपको GUI के थ्रू तो बता दिया कि GUI के थ्रू पब्लिक कैसे होती है, लेकिन क्लाउड शेल के थ्रू पब्लिक कैसे कर सकते हैं। तो एक बड़ी मज़ेदार कमांड होती है इसमें, GSUtil, और उसके बाद IAM आपको परमिशन चेंज करनी पड़ती है। तो चेंज के लिए CH लिखना पड़ेगा कि मैं अपने IAM की परमिशन चेंज करना चाहता हूँ। और वहाँ पर मैंने क्या किया था, याद है आपको, ऑल यूज़र्स वाली चीज़ की थी मैंने, सेम मुझे यहाँ पे करना है। ऑल यूज़र्स को मैंने क्या करना है, ऑब्जेक्ट व्यूअर बनाना है, आपको याद है, वहाँ पे भी यही किया था मैंने। अभी अगर आप चेक कर लो, अगर आप भूल गए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके, सेम काम किया था मैंने, ऑल यूज़र सेलेक्ट किया था और वहाँ पे क्लाउड स्टोरेज में ऑब्जेक्ट व्यूअर को सिलेक्ट किया था। यही काम मुझे यहाँ पे कमांड में लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद कुछ नहीं करना, ये कमांड में कहाँ पे, मतलब ये परमिशन में कहाँ पे देना चाहता हूँ, उस बकेट का नाम मुझे बताना पड़ेगा। तो आप बकेट का नाम बता दो, GS उसके बाद TG बकेट 454। तो ये मेरी पूरी कमांड है, आप देख सकते हैं इस कमांड को चलाते ही मेरी जो बकेट है वो पब्लिक हो जाएगी। अभी आपको क्या नज़र आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ, नॉट पब्लिक। मैं रिफ़्रेश भी कर देता हूँ, अभी भी ये नॉट पब्लिक है, ये देखें आप। लेकिन जैसे ही मैं ये कमांड चलाऊंगा, ये जो है, ये आपकी जो बकेट है ये पब्लिक हो जाएगी। सी बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन रोल स्टोरेज ऑब्जेक्ट व्यूअर इज नॉट सपोर्टेड, जस्ट अ मिनट, शायद मैं कुछ गलत कमांड चला रहा हूँ। GSUtil IAMCH ऑल यूजर्स ऑब्जेक्ट व्यूअर आई थिंक वो इज स्मॉल, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे इसका भी पंगा रहता है। लेट मी चेक, ट्राई अगेन, परफेक्ट। तो ये हो गया है जी, ओ यहाँ पे स्मॉल लेना है और वी यहाँ पे कैपिटल लेना है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, आप टाइम के साथ समझ आ जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे नीचे आए आप, इसको रिफ्रेश करें एंड सी पब्लिक टू इंटरनेट, कॉपी URL करें, जाएं यहाँ पे ब्राउजर में और पेस्ट करें एंड सी गाइस, ये एक जनाब नजर आ रहे हैं हाथ बांधे हुए, आई डोंट नो कौन है, अजीब से आदमी है ना। तो ये चलें जी, तो ये भी आपको यहाँ नज़र आ गया कि आपने कैसे जो है अपनी कमांड के थ्रू पब्लिक बनाना है किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बकेट को। अब अगर आप यही परमिशन डिलीट करना चाहते हैं, आपने कोई परमिशन दी हुई है उसे हटाना है, तो बस कुछ नहीं करना, इसी कमांड में आपने चेंज के आगे -D लगा देना, यानी कि डिनाई कर देना है। जैसे ही आप -D लगा दोगे इस ऊपर वाली कमांड में ही, तो यहाँ पर आपने जैसे डी लगाया और आपने जैसे ही एंटर किया, ये परमिशन आपकी चेंज हो जाएगी। ये देखें आप, अब ये दोबारा नॉट पब्लिक हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड सी नॉट पब्लिक। तो इस तरीके से परमिशन हटाना लगाना सब कुछ आपके हाथ में है, जो बेहद आसान है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है गाइस, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब अगर आपने इसको डिलीट करना है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, किसी बकेट को डिलीट करना है, तो कैसे होगा, GSUtil, बड़ी आसान कमांड है, GSUtil करना है। RM का मतलब रिमूव होता है, आपको पता है। और आप क्या रिमूव करना चाहते हो, मैं कहता हूँ जी मैं किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं इसको, ये वाली कमांड यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। मैंने कहा कि मैं ये जो है ना न्यू डॉट जे पी जी, इसको डिलीट कर रहा हूँ, इस बकेट के अंदर फोल्डर है, फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी है, ये डिलीट होगी बेसिकली, न्यू डॉट जे पी जी जो लास्ट में होता है वो डिलीट होता है। एंटर करते हैं तो देखें जी रिमूव हो चुका है। आओ जी चेक कर लेते हैं क्या फोल्डर में कुछ है, ये फाइल अभी यहाँ नज़र आ रही है ना, रिफ्रेश करते हैं, गायब, आप देख सकते हो। तो फाइल यहाँ से डिलीट हो चुकी है, आप बकेट के अंदर आ जाएं, आप यहाँ पर देखें, मेरा फोल्डर भी डिलीट हो गया। जी 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 जी, मेरा फोल्डर, लेट मी चेक, TG बकेट, जी हाँ, मेरा फाइल और फोल्डर दोनों ही एक साथ डिलीट हो गए, ठीक है।
तो ये मैंने कर दिया है। फोल्डर फोल्डर के अंदर एक एक ही फाइल थी ना बेसिकली, तो वो फोल्डर डिलीट हो गया। तो वन ऑब्जेक्ट वैसे डिलीट हुआ है, बट फोल्डर को साथ में लेके उड़ा है वो। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे सब कुछ डिलीट करना है, अगर मैं पूरी बकेट उड़ाना चाहता हूँ, बकेट के अंदर जो कुछ पड़ा है वो सब कुछ इकट्ठा डिलीट करना चाहता हूँ, तो आरएम तो कमांड बाय डिफॉल्ट रहेगी रहेगी रिमूव के लिए, लेकिन हाइफन आर होती है रिकर्सिव, रिकर्सिव ऑब्जेक्ट डिलीशन, ये आपका हाइफन आर होता है। तो इसको अगर आप लगा दोगे तो क्या होगा, अंदर का सारा सामान पहले डिलीट होगा और फिर लास्ट में वो बकेट डिलीट हो जाएगी जो आपकी बनी हुई है। तो मैं कहता हूँ टीजी बकेट 454 और उसके अंदर पड़ा हुआ सारा डेटा सबको डिलीट कर दो आप। तो एंटर करते हैं, तो ये देखें जी सब कुछ डिलीट हो चुका है। रिमूविंग, बकेट को डिलीट किया, डेटा को डिलीट किया, सब कुछ हो गया। और आप यहाँ पे अब जब रिफ्रेश करेंगे तो ये भूपिंदर डॉट जे पी जी नज़र नहीं आएगा। तो ये देख सकते हैं आप, मेरी बकेट वहाँ से डिलीट हो चुकी है, टी जी बकेट 454। तो इस तरीके से गाइज आप जो है ये सारा काम कर सकते हैं। मेरी बकेट यहाँ से डिलीट हो गई है, टी जी बकेट 454 यहाँ से गायब हो चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको कराई हैं, इससे अब आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो मतलब क्लाउड स्टोरेज के लेके ऐसा हो गया होगा कि इंटरव्यू में कोई भी आपसे कुछ भी पूछ ले, आपने छोड़े हो गए कहना है सर कोई मसला ही नहीं है, आप बताएं क्या करना है। तो बहुत ईजी है गूगल क्लाउड, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बाकी क्लाउड से बेहद बेहद आसान है। तो आई होप गाइज आपको ये लैब दिलचस्प लगी होगी। लास्ट में आप चाहें तो इसको यहाँ से क्लोज कर दें तो आपका ये क्लाउड शेल डिलीट हो जाएगा, फिर आप चाहें तो इस बकेट को भी जो बनी हुई है यहाँ से डिलीट कर दें। ये आपको कहेगा कि ये क्या आप डिलीट करना चाहते हैं, मैं कहूँगा जी हाँ मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट टाइप कर दें और यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करें तो ये आपकी जो बकेट है ये डिलीट होनी शुरू हो जाएगी। तो इन दिस वे यू कैन डिलीट ईच एंड एवरीथिंग। आई होप GUI के थ्रू, क्लाउड शेल के थ्रू करना आपको बेहद अच्छे से आ गया होगा। लेक्चर अच्छे लगते हैं तो यार सिर्फ लाइक ना किया करें, कमेंट भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, फेसबुक पे, लिंकडिन पे, या जहाँ भी कर सकते हैं, एटलीस्ट टेक्निकल गुफ्तगू के बारे में लोगों को बताएं। कोई बंदा आपके लिए कुछ कर रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है ताकि आपके पैसे बचें, आप ट्रेनिंग सेंटरों में ख़राब ना करें, तो फिर आपका भी थोड़ा सा जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे तक बातों को पहुंचाएं। तो चलें जी, बात को अब किसी खूबसूरत गजल के साथ खत्म करते हैं। काफी टाइम के बाद मैं एक गजल लिखने की कोशिश कर रहा था और कल मैंने कुछ लिखा है और आप बताइएगा ये कैसी लिखी है, क्योंकि मैं अब लिख नहीं पाता और शायद अब वो बात भी नहीं रही मुझमें कि मैं लिख सकूं, लेकिन एक छोटी सी कोशिश की थी कल और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बताइएगा कमेंट में जरूर कि ये कैसी है। ठीक है, लेक्चर्स तो आपको अच्छे लगते ही है, पर मैं हमेशा से एक शायर बनना चाहता था पर बन नहीं पाया, एक नाकामयाब शायर मैं कह सकते हो आप मुझे। तो मैंने कुछ लिखा है, गौर फरमाइएगा कि यूं तो कुछ ना था कि अमीर कह सकूं खुद को, यूं तो कुछ ना था कि अमीर कह सकूं खुद को, ये काफी था कि माँ बाप हैं और एक तुम थी। न जाने ये किसने तुझे बेवफा बना दिया, वरना इश्क में पागल मैं था और एक तुम थी। आसानी से टूट जाऊं ये मुमकिन नहीं था, हौसले की दीवार थी मुझ में और एक तुम थी। मेरी बर्बादियों के जो किस्से छिड़े महफिल में, कई दुश्मनों के नाम आए और एक तुम थी। जिसको छोड़ दिया तेरे वास्ते मेरी मौत की वजह, जिसको छोड़ दिया तेरे वास्ते मेरी मौत की वजह, एक उसकी बद्दुआ बनी और एक तुम थी। जिस रोज मेरा जनाजा उठा शहर की गलियों से, जिस रोज मेरा जनाजा उठा शहर की गलियों से, नदारत थे मेरे कई अपने और एक तुम थी। सजाए मौत मिली मुझे कत्ल करने वाले को, मगर मौकाए वारदात पर कातिल था और एक तुम थी। बताइएगा कैसी लगी है आपको। वैसे मैं अब ज्यादा लिख नहीं पाता और खैर जीसीपी के लेक्चर आपको मजेदार लग रहे होंगे, और यार लग रहे हैं तो शेयर कर दिया करें, कमेंट में बता दिया करें जहां से भी देख रहे हैं, क्योंकि आप ये तो रिक्वेस्ट करते रहते हैं सर जल्दी जल्दी लाएं, पर आपकी मोहब्बत भी तो दिखनी चाहिए है, मोहब्बत की है तो नजर आनी चाहिए। दोस्तों ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखिए।